दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे ये इंडक्शन हीटर। तो इसका प्लग लगाएंगे हम पावर बोर्ड में, लेकिन सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। ये सीरीज का बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। इसको खोलेंगे और इसको चेक करेंगे क्या क्या दिक्कत है। तो प्लग निकाल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसके स्क्रू खोल दिए हैं और ये पैनल भी हमने निकाल लिया है। तो इसका कनेक्टर हम निकाल लेंगे और तो इसको साइड में रख देंगे। तो इसकी कॉइल के भी हमने स्क्रू खोल दिए हैं और इसका सेंसर का कनेक्टर भी हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका ये फ्यूज जोड़ा हुआ लग रहा है हमको। ये देखिए जो आईजीबीटी सेक्शन में लगा होता है, तो उसके भी हम स्क्रू खोल लेते हैं और इसको हम सीरीज का बोर्ड में लगाएंगे और इसको हम शॉर्ट करके देखेंगे फ्यूज को ये पिन से। तो दोस्तों ये एकदम शॉर्ट दिखा रहा है, यहाँ कुछ भी। तो सीरीज के बल्ब जल जा रहा है तो इसको हम निकाल लेते हैं वापस पर से। और ये फैन का कनेक्टर भी हम निकाल देंगे, इसको पलट लेते हैं। पहले एक कॉइल खोल देते हैं हम इसकी। तो दोस्तों ये हमने निकाल दी है कॉइल। तो दोस्तों अब हम इसका ये ब्रज रेक्टिफायर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ये सही है एकदम। वो इधर प्लस माइनस पे करेंगे, ये इसका माइनस है ये प्लस है। तो दोस्तों ये शायद ठीक है मीटर को। तो इस पर तो कोई शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है और ये आईजीबीटी लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं जिसको, मॉस्फेट भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों तीनों पिन इसके शॉर्ट दिखा रहा है। इसको हम निकालेंगे पहले। तो इसका स्क्रू खोल लेते हैं और ब्रज रेक्टिफायर का भी। दोस्तों इसके जो लेग बड़े हुए हैं ये काट देंगे ताकि निकालने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों जब तक हम इसको निकाल रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों ये हमने निकाल लिया है तो इसका नंबर आप देख सकते हैं 15N 120। तो ये हम लगाएंगे दूसरा। तो दोस्तों ये हमने नया लिया है, ये देख सकते हैं इसका नंबर, बिल्कुल हम सेम ही नंबर डालेंगे इसका।
अभी लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम ये फ्यूज शॉर्ट करके देखेंगे पहले। तो ये ऑन हो रहा है। तो दोस्तों हम इसका फ्यूज लगा लेते हैं। ये ऐसा लगा हुआ था तार का बना करके। ज़्यादा हैवी ना डालें, इतना ही डालें कि ये उड़ सके। अगर कुछ शॉर्टेज हो तो उड़ जाना चाहिए, इतना पतला लगाएं। तो दोस्तों ये IGBT हम लगा लेते हैं इसमें। और यहाँ कर देंगे सोल्डरिंग। तो इसकी हमने सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों। थोड़ा अच्छे से और कर देंगे हम। और इसकी हीट सिंक भी कस देंगे। तो दोस्तों हमने इसके स्क्रू कस लिए हैं। अब इसको हम फिर से सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। तो दोस्तों अभी चालू हो रहा है, कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है। तो इसकी लगा लेते हैं कॉइल। इसको यहाँ कस देंगे पहले। तो दोस्तों हमने इसकी प्लेट भी कस दी है। अब तो हम इसकी कॉइल कस रहे हैं। ये कॉइल के वायर भी हमने लगा दिए और कॉइल का ये सेंसर का कनेक्टर भी लगा देंगे। कॉइल को भी यहाँ लगा देंगे। और ये फैन का पिन है तो इसको भी कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। और ये पैनल का कनेक्टर है, ये भी लगा देंगे। दोस्तों इसको हम फिट कर देंगे और अब हम इसको चालू करके देखेंगे। ये दोस्तों चालू हो चुका है। लेकिन ये एरर अभी भी कुछ बता रहा है इस पर। तो इस पर हम कोई बर्तन रख कर देखेंगे या कोई भी मेटल का चादर। तो दोस्तों ये हमने चालू कर दिया है और इस पर कुछ मेटल का धातु रखेंगे तो ये हट गया एरर और ये गर्म हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ये काफ़ी गर्म हो गया है। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।